जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके के लिए कौन सी बुक पढ़ता हूँ। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे भैया आप कौन सी बुक पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने लोको पायलट रेलवे ग्रुप डी मेरा फाइनल सिलेक्शन भी हुआ है, पोस्ट ट्रैक मैन है। तो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भैया आपने जीके के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई है, कौन सी बुक्स पढ़ते हैं आप। तो मेरे पास दो बुक्स हैं जीके की, आप लोगों को मैं दिखा दूँ। मेरे पास एक ये लूसेंट है और एक ये बुक है। मेरे पास ये दो बुक्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। भाई लूसेंट भी है, एक महेश बनवाल की बुक है, आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा अगर आपको साफ ना दिख रही हो। अब मैं बात करूँ लूसेंट की, तो लूसेंट भी अच्छी बुक है। मैंने इसको पहले तैयारी की है लूसेंट से, तो अच्छी बुक है। पूरा मतलब पेपर इसी से फट जाता है, चाहे रेलवे का हो या कोई भी अदर एग्जाम हो। लेकिन बहुत समय से पढ़ रहा हूँ तो इसमें मन थोड़ा सा बोर होने लगा था कि अरे यार ये तो तैयार है पढ़ चुका हूँ, तो मुझे लगा कुछ एक और बुक ले लेनी चाहिए, देखते हैं कंपेयर करा के। तो मैंने मार्केट में देखी तो मुझे ये बुक थोड़ी सी ठीक लगी, और साथ ही ये NCERT पैटर्न पर है, तो इसलिए मैं इस बुक को ले आया। और जब इसके मैंने प्रश्न देखे, और आप लोग इसमें देख सकते हैं कि कलरफुल बुक है, तो पढ़ने में और मज़ा आता है। तो जब मैंने ये बुक्स पढ़ के देखी तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है। तो आप लोगों को जो भी बुक अच्छी लगे, आप चाहे तो लूसेंट से तैयारी कर सकते हैं, चाहे तो इससे तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आप अगर लूसेंट से लगातार पढ़ रहे हैं तो आप बुक्स को मत बदलना, या आपने कोई बैच लिया है, कोई बैच पढ़ा है, कोई नोट्स बना लिए हैं, तो भी आप बुक्स मत खरीदना, क्योंकि आपकी आदत पड़ गई है। और एक चीज़ जो थ्योरी पढ़ी जाती है वो सिर्फ बेस मजबूत करने के लिए पढ़ी जाती है। जब आप थ्योरी एक बार पढ़ लेते हो, उसके बाद जब प्रैक्टिस करते हो, मॉक लगाते हो, वहाँ से आपका सिलेक्शन तय होता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, प्रैक्टिस में बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं। इसलिए आप लोग जिस चीज़ से भी पढ़ रहे हैं उससे तैयारी करते रहें। साथ ही अभी कुछ दिनों में हम लोग लाइव GK, लाइव रीजनिंग, लाइव मैथ और लाइव साइंस सारी चीज़ें हम लाइव स्टडी करने वाले हैं। तो जब भी मैं वीडियो शुरू किया करूँगा तो आप लोगों को पूरा तरीका बता दूंगा कि आज मुझे इतना पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, और ये चीज़ मैं ऐसे तैयार करूँगा, और उसके बाद मैं वो पढ़ूँगा। बीच बीच में आप लोगों को टिप्स भी देता रहूँगा, बताता भी रहूँगा। और साथ ही जब पूरा टारगेट हो जाएगा हमारा GK का, तो उसके कुछ समय ब्रेक लेने के बाद फिर रीजनिंग का, फिर मैथ का, फिर साइंस का, इस तरीके से चारों चीज़ें कम्प्लीट करेंगे। मतलब टेक्नीशियन वालों का टेक्नीशियन पूरा हो जाए, NTPC वालों का पूरा कम्प्लीट हो जाए सिलेबस, ग्रुप डी का भी पूरा सिलेबस हो जाए, मतलब रेलवे का कोई भी एग्जाम हो वो सारा का सारा कवर होगा हमारी स्ट्रेटजी के साथ। बीच बीच में आपको जो टिप्स होंगी वो मिलती रहा करेंगी, बाकी हर एक चीज़ बताया जाया करेगी। और एक चीज़, टेक्नीशियन वाले और लोको पायलट NTPC आप सभी लोग शाम को 6 बजे जरूर जुड़ा करें। वो 1,00,000 प्रश्न कर लिए आपने ना प्रैक्टिस, या आपने कहीं नोट कर लिया, भाई आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। अगर मैं सही बताऊं तो मैंने सिर्फ लूसेंट, ब्लू वाली लूसेंट, उसी से केवल साइंस पढ़ी थी ग्रुप डी में, जब मैंने ग्रुप डी निकाला था। और साथ ही ये 1,00,000 प्रश्न जो मैंने खुद बनाए हैं दोस्तों के सहयोग से, वो पूरे पढ़ के गया था तैयार करके, और भाई साइंस में स्कोर अच्छा हो गया था। जो लोग, बहुत से टीचर ऐसे हैं जो पढ़ाते रहे थे कुछ भी, भाई रियलिटी बताऊँ कुछ भी नहीं फंसा था, क्योंकि फिगर बेस्ड प्रश्न आ गए थे, न्यूमेरिकल्स आ गए थे, मतलब सबकी सोच से परे एग्जाम आ गया था। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, भाई ज़रूर वो कंप्लीट कर लें, आप नोट्स बना लें, उसी को पढ़ते रहें, अच्छा स्कोर हो जाएगा। के साथ साथ आप लोगों को मैथ और रीजनिंग की भी आप लोगों को मैं पूरी बुक्स बताऊंगा किससे मैं पढ़ता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।